ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर के तमाम देश परेशान हैं। भारत समेत 70 से ज्यादा देशों में अब तक ये फैल चुका है। नीति आयोग ने चेताया है कि अगर ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी कोरोना फैला तो तीसरी लहर के दौरान रोजाना 14 लाख तक केसेस आ सकते हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों में कोरोना के नए केसेस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो अमेरिका के 35 से ज्यादा राज्यों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। ब्रिटेन में 17 दिसंबर को 92,000 से ज्यादा केस मिले हैं, जो एक दिन में मिले नए केसेस का रिकॉर्ड है। कोरोना के नए वेरिएंट का असर और गहरा होना शुरू हो गया है। देश में ओमिक्रॉन के कुछ ऐसे भी केसेस मिले हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ओमिक्रॉन का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है। इसी बीच नीति आयोग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि अगर ब्रिटेन की तरह ही भारत में भी केसेस बढ़े तो यहाँ हर दिन कोरोना के 13-14 लाख केस आ सकते हैं। देश में 2 दिसंबर को कर्नाटक में एक साथ 2 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। 20 दिन से भी कम समय में ही ओमिक्रॉन देश के 12 राज्यों शासित प्रदेशों में फैल चुका है और इसके संक्रमितों की संख्या भी 100 को पार कर चुकी है। देश में मिले ओमिक्रॉन से ज्यादातर संक्रमितों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है या फिर वे लोग विदेश से आने वालों के संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं है और यही इस चिंता की प्रमुख वजह है कि देश में ओमिक्रॉन फैल चुका है। भारत के जिन 12 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं उनमें से महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। देश में ओमिक्रॉन के सबसे पहले सामने आए 2 मामलों में से एक 46 वर्षीय डॉक्टर का था जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं थी। ये डॉक्टर अब ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका है। हाल ही में महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री ही नहीं रही है। इन 8 संक्रमितों में 2 लोगों ने दिल्ली और बेंगलुरु की यात्रा की थी और केवल एक ही ऐसा था जिसे वैक्सीन नहीं लगी थी। साथ ही इन 8 में से 5 लोग एसिम्प्टोमेटिक थे और 3 में माइल्ड लक्षण थे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।